वर्तमान समय रे अपडेट आसुच्छे आपणकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा पक्षर जहाँकि कोरापुट रे अवस्थापित एवं यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवं आपण माने जानिथिबे ओडिशा रे केवल गोटे मात्र ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहिछे। तबे एही सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे चलित बर्षर बीड कोर्स एडमिशन पई नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाइछि, डेडलाइन आसरिछि। तबे यहारि भितरे बीड कोर्स एडमिशन को नै आपण मानकर कोन रहिछि इन्फॉर्मेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा पक्षर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से बाबद रे आलोचना करिबा, तेणु ध्यान देबे समस्त छात्र छात्री, विशेष करी जो छात्र छात्री माने इंटरेस्टेड अछंती चलित वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा रे बीड प्रोग्राम रे एडमिशन नेबा पई बीड कोर्स कंप्लीट करिबा पई सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे, तेबे आपण मानक पई जहा किछि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहिछि आमे आपनकु अपडेट देबा को चाहिबो। सर्वप्रथमे तो ध्यान रखंतु आपण मानक फॉर्म जहा कि अप्लाई स्टार्ट होई सरिछि, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होई सरिछि, एहार लास्ट डेट रहिछि आपण मानकर 20 सेप्टेंबर पर्यंत। एहार भितरे आपनकु एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कइने पर अछि। यहाँ जी आम आलोचना करवा आपण मानक चलित बर्ष बीड प्रोग्राम किभली भाव एडमिशन दिजाव जो ऑफिशियल इनफर्मेशन रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा पक्षर आपण मानक चलित बर्ष कौन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर मेरिट बेसिक एडमिशन दिजाव आपणकर जो मेरिट प्रकाश पाइब यह आपण मानक ग्रेजुएशन मार्क को आधार कर ही मेरिट प्रकाश पाइब, अर्थात आपण मैंने बैचलर डिग्री के मार्क रखिंट से ही मार्क को आधार कर परसेंटेज मार्क को आधार करी एक मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइब एवं ए मेरिट लिस्ट अनुसार एडमिशन दिजाव जहाँ कि वर्तमान समय रे सबुठारु बड़ा अपडेट। तेबे यहाँ जी आम आलोचना करवा आपण मानकर केतोटी सीट रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा रे, एथिसहित आपणकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही, क्यों छात्र छात्री मैंने अप्लाई करेंगे, तेज यह आम आपको स्पष्ट करदेक चाहिए। आपण मानक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा रे बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीड प्रोग्राम रे समुदाय 63 सीट रही जो एडमिशन नहीं पारे आम आउे कही रखु समुदाय आपण मानक 63 सीट ही रही। तेज यार भितर जी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा आलोचना करवा क्यों छात्र छात्री मैंने एडमिशन नहीं पारे फर्म अप्लाई करेंगे, तेज ध्यान देते कैंडिडेट विथ आटलिस्ट 50% मार्क इन बैचलर डिग्री एंड और आटलिस्ट 50% मार्क इन मास्टर डिग्री, अर्थात आपण मैंने ग्रेजुएशन जो साइंस कि आर्ट्स स्ट्रीम रखी पास आउट होती आपणकर ग्रेजुएशन 50% रु एभव मार्क रही तेज आपण मैंने फर्म अप्लाई करें। यहाँ जो छात्र छात्री मैंने मास्टर डिग्री करी अर्थात एम ए करी आपण मैंने 50% रु एभव मार्क रखिंट तेज आपण मैंने फर्म अप्लाई करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा एडमिशन नहीं पारे। तेज यहाँ जो छात्र छात्री मैंने बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कौन से स्पेशलाइजेशन साइंस सब्जेक्ट कि मैथमेटिक्स रखी कम्प्लीट करेज मार्क रही 55% रु जदि आपण माने अधिक रखुचंती तबे आपण माने फॉर्म अप्लाई करि परिबे एवं एडमिशन नै परिबे। तबे आमे आउथरे कहि रखुचु जे छात्र छात्री माने बैचलर डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन साइंस आर्ट्स टीम रे पास आउट होइचंती एवं आपणकर 50% रु अधिक मार्क रहिछि तबे आपण माने फॉर्म अप्लाई करि परिबे एडमिशन नै परिबे। एहा परे जे छात्र छात्री माने पीजी मास्टर डिग्री कंप्लीट करि साइचंती आपणकर जदि मास्टर डिग्री रे 50% रु एबव रहिछि तबे आपण माने मध्य फॉर्म अप्लाई करि परिबे एडमिशन नै परिबे। एहा परे अन्य जे छात्र छात्री माने रहिले बैचलर इन इंजीनियरिंग एथिसहित टेक्नोलॉजी कौन से स्पेशलाइजेशन साइंस मैथमेटिक्स रखी आपण मैंने बैचलर डिग्री कंप्लीट करी तेज आपण मैंने 55% रु एवं मार्क रखी पास आउट होइतिबार आवश्यकता अच्छी तेज जाए आपण मैंने फर्म अप्लाई करेंगे। तेज एठार ध्यान देते आपको आम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहलु यह रही जेनेल कैटेगोरी छात्र छात्री यहाँ जो छात्र छात्री मैंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी बिलंग करपण मैं 5% रिलैक्सेसन रही अर्थात ग्रेजुएशन में आपं 45% थे आपण मैंने फर्म अप्लाई करेंगे, एथ सहित मास्टर डिग्री में जब 45% अच्छी तेरे आप फर्म अप्लाई करें। यहाँ जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी छात्र छात्री मैंने आपड़ी बैचलर डिग्री आपं कौन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स करते तेज आपंकर 50% मार्क रु एभव रही तेज आपण मैंने फर्म अप्लाई करें एडमिशन नहीं पारे जहाँकि वर्तमान समय ऑफिशियल इनफर्मेशन। तेज यार भितर आपण मैक्सिमम एज लिमिट को नहीं स्पष्ट कही नबू कौन एज लिमिट नहीं आपन को जिते वर्ष होता ना कहीं आपण मैंने फर्म अप्लाई करें। तेज यहाँ जी आम आलोचना करवा आपण मानकर एडमिशन फीस बाबद तेज ध्यान देते समस्त छात्र छात्री आपंकर एडमिशन फीस जहाँ रही प्रत्येक सेमिस्टर व्वज आप जानते आपंकर बीएड कोर्स प्रोग्राम जहाँकि 2 वर्षर होता है, 2 वर्ष आपंकर 4 गोटी सेमिस्टर रही है। तेज यही 4 गोटी सेमिस्टर आपको केत लेखाएं फीस देवाई पड़ो आप ध्यान देते सर्वप्रथमे तो एडमिशन टाइम जहाँकि आपको 12,870 टाँग देवाई पड़ो फास्ट सेमिस्टर पर जहाँकि आप 6 मास कम्प्लीट हो 12,800
870 टंका रे एहा परे आपन मानक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हेबा परे आपन को सेकंड सेमेस्टर पे जाकी 4350 टंका देबा पई पड़िबो एहा परे थर्ड सेमेस्टर पे मध्य सेम रही छि 4350 एहा परे फोर्थ सेमेस्टर पे 5100 टंका एई बड़ी भाबे रही छि आपन मानक कोर्स फीस जाकी प्रोग्राम फी आपन माने जदि बीएड कोर्स एडमिशन नेउ चंती तेबे आपन मानक एई बड़ी भाबे पेमेंट करबा पई पड़िबो तेबे एहा परे जदि हम आलोचना कइ नेबा जेउ छात्र छाती माने अन्य कोनोसी डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करूचंती कोरापुट रु नकरी आपन माने जदि चाहूचंती सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा रे आपन कर बीएड कोर्स करबा पई एहा परे हॉस्टल रे रहबा पई तेबे आमे आपन को सूचना देबा को चाहिबो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा रे मध्य हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल अछि आपन माने हॉस्टल रे रही पाठ पढ़ी परिबे तेबे हॉस्टल पई आपन कर जहा किछि फीस रही छि से बाबद रे मध्य आमे आपन को एटा सूचना देबा को चाहिबो सर्वप्रथमे तो आपन को फर्स्ट सेमेस्टर रे जहा कि आपन को देबा पई पड़िबो 4800 टका सेकंड सेमेस्टर पई आपन कर फीस आसी जिवो 2800 टका थर्ड सेमेस्टर रे फीस आसी जिवो 2800 एवं फोर्थ सेमेस्टर रे फीस आसी जिवो 2800 टका एई बडी भाबे आपन कर रहइबो जहा कि फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर तबे एठारे ध्यान देबे आपन मान कर जे स्टेट यूनिवर्सिटी माने रहिची ओडिसा रे सेटर आपन माने जानिथिबे जहा कि वार्षिक आपन मान को पेमेंट करबा पई पड़े किंतु आपन कर ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे 6 मास को थरे अर्थात पर सेमेस्टर आपन को पेमेंट करबा पई पड़िबो आपन मान कर हॉस्टल एडमिशन फीस हो किंबा एथि सहित आपन मान कर जे रहिची कोर्स फीस ता मध्य आपन को पर सेमेस्टर देबा पई पड़िबो जे बडी भाबे आमे एठ आलोचना कले तबे आपन माने वर्तमान समय रे आमे जे बडी भाबे आलोचना कले ताहा को कैलकुलेट करि परिबे कैलकुलेट करि जानि परिबे आपन को केते टंका लागिबो आपन को कोर्स फीस केते रहिची एथि सहित आपन मान कर हॉस्टल फीस केते रहिची आपन माने वर्तमान कैलकुलेट करि जानि परिबे तबे एहार भितरे आमे मध्य आपन को सूचना देइ देबो को चाहिबो आपन मान कर जे बीड प्रोग्राम रहिची आपन कर जे एथिरे आपन को समुदाय सीट रहिची 63 अर्थात आपन मान कर 63 टी सीट रहिची तबे एथिरे म रिजर्वेशन को नै जदि आमे कैलकुलेट करि कहिबा केउ छात्र छात्रि को पई केते सीट रहिची तबे आपन मान कर जनरल कैटेगरी छात्र छात्रि को पई 26 टी रहिची ए जो आपन कर 63 टी सीट रहिची एतरु 26 टी सीट जनरल कैटेगरी छात्र छात्रि को पई रहिची तबे एठरे ध्यान देबे ए जो 26 टी सीट रहिची आपन कर जनरल कैटेगरी पई आपन मान कर बैचलर डिग्री जे छात्र छात्रि माने हाईएस्ट मार्क रखिथिबे भलो परसेंटेज मार्क रखिथिबे सेई मान को मध्यर उपर आपन कर आरंभ करी 26 नंबर जे ए 26 टी सीट दिया जिवो सेई छात्र छात्रि मान को सेतिरे मध्य एससी एसटी जनरल समस्त छात्र छात्रि जाकी इंक्लूडेड रहिबे तेनु आपन मान को ध्यान देबार अछि जे छात्र छात्रि माने ग्रेजुएशन भलो मार्क आनिते परसेंटेज आनिथिबे मेरिट लिस्ट 1 टू 26 मध्ये आसीथिबे सेई मान को जाकी ए जनरल सीट प्रदान करा जिवो एहा परे आपन मान को ओबीसी कैटेगरी छात्र छात्रि को पई मध्य 17 टी सीट रिजर्वेशन रहिछि एवं आपन मान को ए जो 17 टी रहिछि एथिरे केवल ओबीसी कैंडिडेट माने ही एडमिशन नै परिबे एथिरे कोनोसी प्रकार आपन को जनरल कैटेगरी छात्र छात्रि माने एडमिशन नै परिबे नै किभलि भाबे नेबे आपन को मन कर 26 जे आपन को वर्तमान जनरल पिला को वर्तमान एठरे कैलकुलेट करा गला जनरल सहित मध्य एससी एसटी ओबीसी समस्त छात्र छात्रि इंक्लूडेड रहिबे आपन मन कर 1 टू 26 परे एवं एहा परे मन कर आपन को 27 ने कोनोसी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट अछंती एवं 28 रे आपन को कोनोसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी छात्र छात्रि अछंती तेबे आपन माने जेउ कैंडिडेट 27 ने थिबे जनरल कैटेगरी आपन को सीट मिलिबो नै आपन माने होल्डर रहिबे जदि आपन मन कर प्रथम रु 1 रु 26 मध्ये जेउ छात्र छात्रि मान रहितिबे सेमान को मध्ये जदि कोनोसी छात्र छात्रि एडमिशन न नियंती तेबे आपन मान को सीट मिलिबो किंतु आपन माने जदि 27 नंबर रे रहि जाउचंती आपन जनरल कैटेगरी होइचंती तेबे आपन को एडमिशन मिलिबो नै एहा परे 28 29 30 नंबर रे रहितबा ओबीसी कैटेगरी छात्र छात्रि मान को ही केवल एडमिशन दिया जिवो आपन को 26 नंबर पर टरु एवं एही बडी भाबे आपन मान को कैलकुलेट होइ जिवो जेकि 17 टी सीट रिजर्वेशन रहिछि ओबीसी कैटेगरी छात्र छात्रि को पई एवं एहा परे आपन मान को एससी कैटेगरी छात्र छात्रि को पई 9 टी सीट रिजर्वेशन रहिछि एथि केवल एससी कैटेगरी छात्र छात्रि माने ही एडमिशन नेबे एहा परे एसटी कैटेगरी छात्र छात्रि को पई सीट जेकि 5 टी सीट रिजर्वेशन रहिछि एहा परे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पई आपन को सीट रहिछि 6 टी सीट जेकि रिजर्वेशन रे रहिछि एहा परे आपन मान को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मान को पई 3 टी सीट एहा परे आपन मान को काश्मीर माइग्रेशन पई 3 टी सीट एवं एहा परे एक सर्विसमैन पई आपन मान को 3 टी सीट रिजर्वेशन रहिछि तेबे एई बे भाबे सर्वमोट आपन मान को 63 टी सीट रहिछि तेबे एठारे मध्य ध्यान दियंतु आपन मान को एससी एसटी ओबीसी एति सहित ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एई बे भाबे आपन मान को जो सीट रिजर्वेशन रहिछि जदि सेई सीट रे आपन मान को एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट छात्र छात्रि माने एडमिशन नै पाउ नांती उपस्थित रहउ नांती तेबे सेई क्षेत्र रे मध्य आपन मान को सीट वैकेंसी रहिबो नै जनरल कैंडिडेट मान को एडमिशन दिया जिवो किंतु जदि से माने एडमिशन न नियंती आपन को एडमिशन दिया जिवो तेनु आपन को मध्य एहा ध्यान रखिबार अछि कारण आपन जदि 28 नंबर किंबा 30 नंबर थिबे एहा पर जदि कोनोसी एसटी कैटेगरी छात्र छात्रि 80 नंबर किंबा 100 नंबर थिबे तांको सर्वप्रथम एडमिशन दिया जिवो जेहेतु तांकर रिजर्वेशन रहिछि आपन मानकर जेहेतु जनरल कैटेगरी आपन को सर्वप्रथम तो 26 भितर आसीबार अछि एहा रि भितर
जदि आपन माने आसी पाउनांती तेबे आपन मानको एडमिशन मिलिबार नै आपन मानको अपेक्षा करिबार अछि सर्वप्रथमे त जे 26 छात्र छात्रि रहितिबे समानको मधुर जदि कोनो छात्र छात्रि एडमिशन न नियंती एहा परे जनरल कैटेगरी छात्र छात्रि मानको जाके प्रायोरिटी दिया जिवो तेबे फ्रेंड्स एहारि भीतर मध्ये आमे आपनको सूचना देइ रखिबु जदि आपन माने इंटरेस्टेड अछंती आपन माने जे कैटेगरी बि होइतंतु न कहि कि जनरल होंतु किबा आपन मानकर जदि कोनोसी रिजर्वेशन रहिछि एवं आपन माने इंटरेस्टेड अछंती सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा रे बीएड कोर्स एडमिशन नेबा पई तेबे आपन माने फॉर्म अप्लाई करंतु निश्चित भाबे आपनको एडमिशन मिलिबार बहुत संभावना रहिछि कारण आपन मानकर समुदाय 63 टी सीट रहिछि एवं यहा आपन मानकर मेरिट बेसिक चलित वर्ष एडमिशन दिया जिवो कोनोसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अनुष्ठित हो बने जदि आपन माने ग्रेजुएशन भल परसेंटेज मार्क रखितिबे तेबे आपनको निश्चित भाबे एडमिशन दिया जिवो ते फ्रेंड्स एबिरी भाबे जहा किछि अपडेट रहिछि वर्तमान समय रे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा पक्षरु आमे एठार आपनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करलु तेबे एहा परे जदि मन रे अन्य कोनोसी प्रकार संदेह रुचि निश्चित भाबे कमेंट करंतु आमे चेष्टा करिबु परवर्ती समय रे एको स्वतंत्र वीडियो प्रोवाइड करबा पई थैंक यू।